रवि है, दीनदयाल है, 1.5 साल से यहाँ पढ़ रहे थे। कितने साल से? 1.5 साल से, एक बैच में, दूसरे बैच में, और कहते हैं ना पढ़ रहे थे, आते नहीं थे, क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, और पढ़ रहे थे तो उनको ये सफलता मिली है, और कुछ अन्य एग्जाम में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें भी ये सफल है लगभग। किसने आरपीएफ का एग्जाम पास कर लिया, दौड़ पास कर ली, आगे मेडिकल बाकी है, किसने एलडीसी के एग्जाम में पास कर ली। ये हुआ कैसे हुआ, मैं चाहता हूँ ये इन्हीं की जबानी हम सुने, तो शायद कोई बात आपके दिल तक पहुँच जाए। और वो बात अगर दिल तक पहुँच गई, या तो माँ की पहुँचती है, जवाब नहीं है, माँ जो कहती है मानते हो नहीं मानते हो? सिलेक्शन कैसे होता है? क्या केवल पढ़ने से होता है? केवल पढ़ने से होता है? वरना 90% जो बच्चा है वो पढ़ता ही पढ़ता रहता है, वो आगे चलकर हम कई बार देखते हैं 90% वाला बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास कर पाता, और वहीं हम देखते हैं कि भाई 45-55% वाला बच्चा रेगुलर पढ़ता है और एक एग्जाम फाइट करके आगे बढ़ जाता है। कोचिंग में आने का आपका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है? अगर ये आपने जान लिया तो आप सेलेक्ट हो जाओ। बात समझ रहे हो? अथा इंग्लिश है, इथा अथा गणित है, अथा आपका जीके है, भूगोल अथा है, इतिहास अथा है, इकोनॉमिक्स, सब कुछ जितने सब्जेक्ट है अथा है, उनमें हर सब्जेक्ट के एक टॉपिक पर पीएचडी की जा सकती है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ना है केवल वो समझना है, और वो अगर समझ लिया और क्या छोड़ना है सीख लिया तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है। बच्चों मूल मंत्र यही है कि 6 घंटे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, चाहे हम आपको 15 घंटे पढ़ा दें, सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। क्लियर हो गई? डीटीएस देते हैं, पुराने आए हुए प्रश्न होते हैं, अगर वो सारे याद हो गए तो हम 60% कोर्स कर चुके हैं। क्लास में जो आपको पढ़ा रहे हैं, टेस्ट जो हो रहा है उसको अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 80% कोर्स आपका हो जाता है। 20% की कोई गारंटी नहीं है कहां से आएगा किसी भी एग्जाम में, लेकिन हम 80% तक का ये गारंटी से कहते हैं, क्लास में पढ़ाया हुआ, संडे का टेस्ट और डीटीएस, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर ये रिवीजन साथ रहे तो बच्चे के जिसे 9th 10th 11th में अगर 80% 90% आ सकते हैं तो हमारे एग्जाम में क्यों नहीं आ सकते? तो करना क्या है, जो हम बताए वही तो करना है। बच्चों 2006 में मैंने इस भवन में इस जगह पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों से साइकोलॉजिकल बात करने शुरू कर दी थी, उनके प्रॉब्लम्स को जानना शुरू कर दिया था। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि एक एक बच्चे का हमें टेस्ट लेते ही पता चल जाता है कि इसके रीजनिंग में कहाँ चल रहा है, मैथ्स में कहाँ चल रहा है, जीके में कहाँ चल रहा है। नया सिस्टम आपको अडेप्टिव और बता देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आने शुरू हो गया है, और हर टीचर अपने कोर्स में कितने टॉप 10 है उनकी लिस्ट बाहर लगाएगा। बाहर लिस्ट में टॉप 10 में जो बच्चा आएगा उसकी लिस्ट फोटो बाहर लगेगी, टीचर की नजर में रहेगा। इंडिविजुअल टीचर 10 बच्चों से उनसे काउंसलिंग भी करेगा कि उनको और क्या चाहिए। मान के सोचिए जो इंटेलिजेंट 10 बच्चे हैं उनको तो पता होगा ना, सर हमारे रीजनिंग में ये टॉपिक नहीं हुआ, हाँ या ना? और जिससे नीचे वाले से 10 में उससे पूछे क्या नहीं हुआ तो कहेगा कुछ नहीं, उसकी सुनवाई कभी पूरी हो सकती है? तो टॉप 10 के हम पूरे फीडबैक लेंगे और उनको जो चाहिए पूरा देंगे, तो बाकी बच्चों को भी और जो मिलना है वो मिले। समझ में आ गई? ये नया सिस्टम है, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो गया है, पिछले 1 से 1.5 महीना हो गया है। जो टेस्ट देता है उसको मार्कशीट मिलती नहीं मिलती, उसके अंदर एक मेरा लक्ष्य अगर आपने लिख लिया कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो भी बने, हाँ या ना? अरे बहुत, अमेरिका के जो व्यक्ति लिख सकता है कि मुझे ये बनना है, तो आपने सोच लिया कि मुझे इस सेलेक्ट इस एग्जाम में होना है, सोते जानते आपको वही दिखेगा मुझे यहाँ सेलेक्ट होना है। आपका कोचिंग ओवन कैंपस में है, एक कैंपस आपका नॉर्थ रोड पर भी ले लिया गया है, काफी बड़ा कैंपस है। ये ओवन है, पीछे वाले बिल्डिंग ओवन है, वो ओवन है, और जितने भी टीचर्स हैं सब सेलेक्ट होने वाले हैं, सब सेलेक्ट होने वाले, कोई फर्स्ट ग्रेड में, कोई सीजीएल में, कोई सीपीओ में, कोई किस एग्जाम में, सारे टीचर ही वही हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन टीचरों का जितना भी दोहन आप कर सको,
जितना ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ सको, जितना आदर सम्मान इनको दे सको, जितना आदर सम्मान दोगे उतने पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? पूरा सिस्टम हम फुल प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ कोई बच्चा आ जाए उसका हर हाल में सिलेक्शन होना ही। तो एक बार दोनों बच्चों के लिए शानदार ताली बजाएं। तो पहले मैं एक एक करके बच्चों को देता हूँ, कुछ ये बताएंगे, सुने इनसे, आपसे कुछ दिल से लें, पर मेरी वाली बातों को अच्छा लगे तो पोटली में हमेशा रखना। थैंक यू। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इनका यूटिलाइज करो। यहाँ से जो भी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो एक उच्चतम दर्जे की है। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो शायद मेरे अकॉर्डिंग और मेरे ध्यान के हिसाब से शायद टॉप क्वालिटीज़ के हैं सीखने में। तो और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है कि प्रोजेक्टर है, लाइट्स है, साउंड सिस्टम है, शायद वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ से कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडी को, चाहे 6 घंटे हो या 5 घंटे हो, बस कंटिन्यू डेली रूटीन में। जो भी एक ऑनलाइन टेस्ट है वो शायद SSC बैंक एयरफोर्स जो भी ऑनलाइन पैटर्न के एग्जाम है उनके ऑनलाइन टेस्ट देते रहना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि क्या पैटर्न है, क्या एग्जाम कॉन्टेक्ट आ रहा है। और प्रीवियस ईयर की हेल्प से हम हमारे सक्सेस को बहुत नज़दीक पा सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार श्रीराम परिवार, मेरे परिवार जिन्होंने, मेरे दोस्तों जिन्होंने मुझे मोटिवेटेड एंड फुल गाइडेंस में रखा, मैं मेरे माता पिता डायरेक्टर सर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। आश्वासन भी दें कि हम भी सरकारी सेवा में आ रहे हैं या मेले में भीड़ में खड़े हैं, घर चले जाएंगे, क्या करना है, ताली बजानी है, बजवानी भी है, बजवानी भी है। तो बच्चों बहुत छोटी सी बात है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम कोचिंग से आज रवि कुमार के साथ हूँ, जिनका अभी अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, यह मांडोली गांव से। तो आइए मिलते हैं रवि से और चर्चा करते हैं इनका सिलेक्शन में क्या योगदान रहा, क्या इन्होंने किया, कैसे इन्होंने पढ़ाई, कैसे इसका इनका सिलेक्शन हुआ। तो रवि, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप अपने सिलेक्शन में सबसे पहले श्रेय किसे देना चाहेंगे, योगदान किसका है सबसे बड़ा आपके सिलेक्शन में? सबसे पहले मैं अपने सिलेक्शन का योगदान भगवान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। फिर मेरे गुरुजनगण श्रीराम कोचिंग, मेरे परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, जिन्होंने मुझे हमेशा इसके लिए प्रेरित किया और ये सब करने के लिए मुझे मोटिवेट रखा। तो रवि कुमार, इसमें ये बताइए कि हर 12th पास बच्चा एक सपना लेकर रहता है, हर लगभग 90% बच्चा ये सपना पालता है कि मुझे कोर्स एक्स ग्रुप में, कोई वाई ग्रुप में सिलेक्शन चाहिए। तो इसमें एक्स वाई ग्रुप के 12th पास का जो बच्चा है वो बिल्कुल 12th पास करके निकला है इस उम्मीद में कि मुझे एयरफोर्स चाहिए। तो एक हर बच्चे की उम्मीद होती है, आशा होती है उसे कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में या एक्स ग्रुप में सेलेक्ट होना है। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाए? मैं तो ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है या एक्स वाई बहुत हो, उसके लिए हमें बुक्स को फॉलो करना चाहिए। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है, यानी कि शॉर्ट पैटर्न है, 1 वीक सीरीज है और जो भी संजय पासबुक, इन सब का सहारा ना लेकर हमें एक प्रॉपर बुक्स की सहायता से और उचित गाइडेंस और कम टू द कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग हम अगर फंडिंग तैयारी करेंगे तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ये बिल्कुल रवि कुमार जो कहना चाहते हैं, बेसिकली बात, जो 12th का बच्चा होता है वो या तो पासबुक से पढ़ता है या फिर ग्रेजुएशन करता है तो बच्चा 1 वीक सीरीज से पढ़ता है, तो उसे शॉर्ट पढ़ने की आदत हो जाती है।
और शॉर्ट पढ़ने की आदत में वो ये सोचता है कि कंपटीशन भी शॉर्ट तरीके से निकाली जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। कंपटीशन आपको निकालना है तो आपको लॉन्ग पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही कि शॉर्ट ट्रिक छोड़ दो, मैथ की शॉर्ट ट्रिक की बात अलग है, लॉन्ग पैटर्न का मतलब है आपको डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ आपको टच करते हुए पढ़नी चलेगी। शॉर्ट ट्रिक ट्वेल्थ का बच्चा बिल्कुल वन वीक सीरीज या पासबुक से पढ़ना पसंद करता है, जो सोचता है कि हर चीज़ को पाना हुआ शॉर्ट तरीका, वो अगर आप तरीका अपनाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि आप सिलेक्शन ले पाए। तो रवि कुमार, आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई का? आप किस तरह पढ़ते थे, कितनी बजे पढ़ते थे, कितना आपने टाइम दिया पढ़ाई को, कितना आपने डिवोशन पूरे ताकत से आप लगे? सबसे पहले मैं अपनी हॉबी के बारे में बताता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता था, उसके बाद तैयार व्यार होकर कोचिंग जाता था। कोचिंग आने के बाद यहाँ से मेरी 4 घंटे की क्लास होती थी, आधे घंटे का रेस्ट, उसके बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता था और शाम को 7 बजे घर जाता था। फिर थोड़ा फ्रेश फ्रेश होता, खाना वाना खाता, उसके बाद मैं 2 घंटे तैयारी करता, यानी कि मेरा पूरा पूरे दिन का शेड्यूल के अकॉर्डिंग 10 या 12 घंटे लगभग पढ़ने की कोशिश रहती थी। मैं पूरा एफर्ट लगाता था इसके लिए। रवि कुमार का जो शेड्यूल और जो रूटीन था वो क्या था? सुबह 5 बजे उठते, 5 बजे घर से तैयार होकर चलते और 7 बजे हमारे पास पहुँचते, अपनी क्लासेस स्टार्ट करते, 4 से 5 घंटे क्लास लेते, फिर वही लाइब्रेरी, कैंपस में ही लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रखा था और वहीं बैठे बैठे पढ़ते, ये शाम को 7 बजे तक पढ़ते कंटिन्यू, रेस्ट करके ज़रूरत पड़ती थोड़ा घूम लेते फिर लेते, कंटिन्यू पढ़ते, ये लगभग कोचिंग में 10 से 11 घंटे कोचिंग में पूरा स्पेंड करते थे। रवि, कितना समय हो गया था आपको ये 12 घंटे पढ़ते हुए? लगभग 12 महीने हो गए थे। 12 महीने, अब आप सोच लो स्टूडेंट्स आपको कितना पढ़ना है। ये 12 घंटे लगभग पढ़ते थे जिसमें 4 से 5 घंटे स्टडी रहती थी, और अगर आप 2 घंटे 1 घंटा भी अगर आप निकाल लो तो भी आप सोचो कि 6 घंटे की रेगुलर स्टडी इनकी सेल्फ स्टडी थी, जो 12 महीने इन्होंने की और तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। अब आप खुद सोच लीजिए आपको कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। तो पढ़ाई के दौरान, एयरफोर्स की जो पढ़ाई थी उसके दौरान क्या समस्याएँ रही रही, क्या एक प्रॉब्लम एक बच्चा फेस करता है? सबसे पहले मैं मेरी बता देता हूँ। मेरे गांव थोड़ा गांव बैकवर्ड है, वहाँ पे कोई साधन वादन की व्यवस्था नहीं है, तो हमें किसी न किसी तरह कोशिश करके कोचिंग तक आना बहुत मुश्किल हो जाता था, और कभी टाइम पर पहुँचते कभी नहीं पहुँचते, यानी कि साधन की कमी थी कहने का मतलब है। फिर मैं 12th पास करके आया था तो मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि क्या मैटर है क्या नहीं है। मेरी मैथ कमज़ोर थी, आर्ट्स से बैकग्राउंड था तो मेरी मैथ तो वैसे ही एक्चुअल कमज़ोर होनी थी, जीके भी थोड़ा कमज़ोर था, तो इसके लिए मैं पूरी मेरा पूरा फोकस मैथ्स और जीके पर रहता था ताकि मैं इसको कवर अप कर सकूं। रवि, इंग्लिश कैसी थी, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप में इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है? हाँ, इंग्लिश आपकी कैसी थी? इंग्लिश ठीक थी, मेरी वोकेबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इस कारण से इंग्लिश के रूल्स और जो भी पैसेज वगैरह है, पैराजम्बल्स, आजकल पैराजम्बल्स आ रहे हैं PQRS से, उनमें मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी सोल्व करने के लिए। बिल्कुल, तो रवि कुमार की जो समस्याएं रही वो ये थी कि वो व्हीकल्स में प्रॉब्लम रहती थी, मैथ इनकी वीक थी। अब किसी बच्चे का एयरफोर्स में अगर मैथ वीक हो तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो मैथ और जीके आपको दोनों ही अच्छे वेटेज से थी, प्लस इंग्लिश का वेटेज एयरफोर्स वाई ग्रुप में और भी अच्छा। तो इसमें आपकी कोचिंग ने आपकी किस तरह सहायता की, मतलब कोचिंग का स्टडी मटेरियल, कोचिंग में क्या आपको ऐसा लगा कि जिससे आपके कोचिंग के कारण आपका सिलेक्शन? कोचिंग के अकॉर्डिंग तो बताता हूँ, तो इसमें कोचिंग की DTS है, डेली टेस्ट सीरीज है, और संडे को टेस्ट सीरीज होती थी, हमें एकदम अव्वल दर्जे की बुकलेट्स प्रोवाइड कराई गई थी, सॉल्यूशन क्लासेज अलग से होती थी, सॉल्यूशन रिसेप्शन अलग से होता था, यहाँ पर हर एक की क्वेरी को हम आसानी से डिस्कस कर सकते थे, टीचर्स हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहते थे, इन सब ने हमारा पूरा सहयोग किया और हमने भी इनका पूरा यूटिलाइज किया, तब जाकर हमारा सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल, श्रीराम कोचिंग में जो घर बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी एक वाईफाई श्रीराम करके यूट्यूब चैनल है, उसमें आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो www.sriramedu.com, उससे आप वेबसाइट से आप अपना स्टडी मटेरियल भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए सुविधा है जो हमारे पास पहुँच नहीं पाते। इसी के साथ में एनी टाइम वहाँ टीचर्स अवेलेबल रहते हैं डाउट सॉल्विंग क्लासेस के लिए और दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। संडे आपका रोज टेस्ट होता है, जो बिल्कुल घर अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो भी मैं उसे सजेस्ट करूँगी, अगर आप संडे को टेस्ट नहीं देते हैं या टेस्ट रेगुलर नहीं होता है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती और आपका सिलेक्शन में आप हो सकता है एग्ज़ाम में कोई ऐसी गलती कर दो जो केवल इसलिए हुई है कि आपने रेगुलर टेस्ट नहीं दिए। रेगुलर टेस्ट रही, रेगुलर स्टडी रही, प्लस इसी के साथ में रवि कुमार मुझे ये बताइए कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिसके कारण एक बच्चा सेलेक्ट हो सके? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्टडी को रेगुलर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, हमें मोटिवेटेड रहकर तैयारी करनी होगी,
और जो भी हमें कंटेंट मिलता है उसका रिवीजन लगातार रिवीजन करते रहेंगे तब तक एग्ज़ाम ना हो, और एग्ज़ाम को अगर बढ़िया ढंग से अचीव कर टैकल करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। नेगेटिव मार्किंग का स्पेशल ध्यान रखेंगे, काफ़ी नेगेटिव जाते हैं जिसके कारण हम माइनस में जाते हैं, तो नेगेटिव का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान रखकर तैयारी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और ऑनलाइन पैटर्न पर एग्ज़ाम होती है तो उसका थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाने पर हम हमारा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल रवि, ऑनलाइन प्रैक्टिस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, और जैसे कि उन्होंने कहा रेगुलर स्टडी मोटिवेटेड स्टडी, तो मोटिवेटेड तो दिख रहे हैं आप, 12 महीने से आप पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में आप कंटिन्यू 12 घंटे 10 घंटे हमारे पास में स्पेंड करते थे, तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। बिना मोटिवेशन के अगर आप बीच में टूट जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक आप मोटिवेटेड रहें। जय श्री राम। थैंक यू श्री राम को, धन्यवाद। Thank you.